पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन, इसके बारे में मैं आपको एक केस स्टडी सुनाने वाला हूँ। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, मुंबई, नागपुर, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है और मनोरोग तथा व्यसनी लोगों का हम उपचार करते, उनका इलाज करते हैं, उनको दाखिल करते हैं। मेरे पास में एक लड़का है जो अभी MBBS में है और मतलब उसने कहानी सुनाई वो ऐसी है कि भाई 10th में उसको अच्छे मार्क मिले, 12th में उसको अच्छे मार्क मिले, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा मेडिकल के लिए और उसको उस समय पोर्न, जो पोर्न फिल्म्स जो है यूट्यूब पे आती है, तो पोर्न का उसको, पोर्न के वीडियोज़ का उसको एडिक्शन लग गया। फिर उसमें उसकी एग्ज़ाम चली गई, उसको मार्क मिले नहीं, फिर उसने तय कर लिया कि नहीं अभी मैं इतना अच्छा हूँ, इतने मार्क कमा सकता हूँ। उसने फिर बहुत पढ़ाई किया और एकदम अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई। वहाँ फर्स्ट ईयर अच्छा गया, फर्स्ट एग्ज़ाम उसने अच्छी दी। सेकंड एग्ज़ाम के समय फिर से वो पोर्न का एडिक्शन उसको चालू हो गया कि रात रात भर बैठना और जो मतलब पोर्न के वीडियोज है, सेक्स के वीडियोज है, वो देखना और फिर उसके साथ साथ मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, मुट्ठी मारना जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है हस्तमैथुन या मुट्ठी मारना, उसके साथ साथ फ़ोन के वीडियोस देखना और वो वीडियो देख के उसको इतना एडिक्शन हो गया कि फिर वो पढ़ाई भूल गया। थर्ड ईयर में वो फिर फेल हो गया। उसको अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर घृणा आ गई, दुख हो गया कि भाई मैं कैसा व्यक्ति हूँ कि मैं बार बार इसके मतलब एडिक्शन में जा रहा हूँ, ये बार बार मुझे उसका एडिक्शन हो रहा है। अभी वो फेल गया तो उसने घर में बताया भी नहीं, क्योंकि घर में उसके पिताजी माताजी चिल्लाएंगे कि भाई फेल हो गया, तो उसने बताया नहीं क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत गरीब है। और फिर वो छुपाते रहा कि भाई मैं फेल हो गया करके। और ये पॉर्न का एडिक्शन है या मास्टरबेशन का एडिक्शन है, मतलब एडिक्शन मतलब उतना एक ऑब्सेशन लेवल पे वो चले गया था। ऑब्सेशन लेवल का मास्टरबेशन मतलब इतना कि वो मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन किए बिना उसको शांति नहीं मिलती थी और वो हस्तमैथुन में एक्चुअली मास्टरबेशन में उसको मज़ा भी नहीं आ रहा था, मगर वो किए बिना शांति भी नहीं मिल रही थी। और वैसे ही वो पॉर्न एडिक्शन का, कि उसको मज़ा नहीं आ रहा था मगर अभी वो एक ऑब्सेशन जैसा बन गया कि वो बार बार विचार आते थे मैंने देखना चाहिए और वो देखता था। अब ये दोनों भी एडिक्शंस है ये उसको मालूम है, घर में बताया नहीं है, घर में वो चिल्लाएंगे, हो सकता है कि उसको कॉलेज से निकाल देंगे कि भाई तू दो बार फेल हो रहा है, तो उसने घर में बताया नहीं। मन में बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेशन उसको आ गया कि उसको लगा कि भाई अपन ने घर में अभी जाना, अपने गांव में जाना और अपने माँ बाप को बताना, उससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूँ तो अच्छा है। उसको कहीं से मेरे वीडियो देखने मिले, जब वो उसने डाल दिया यूट्यूब के ऊपर पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन ऐसा डाला उसने, तो उसको मेरे वीडियो सामने आ गए। उसने मेरा कॉन्टेक्ट किया, मेरे यहाँ बताने के लिए आया, काफ़ी डिप्रेस्ड कि भाई ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ अभी आज नहीं किया तो ये शायद खुदकुशी भी कर लेगा। मैंने उसको बताया कि भाई देख, सबसे पहली बात तुमको ये अपने माँ बाप को बताना होगा। बोले मेरी हिम्मत नहीं हो रही, अभी 6 महीने हो गए फेल होने के बाद में मैंने बताया नहीं, मैंने ऐसा चलता नहीं, तुमको ऑथेंटिकली आपके माँ बाप को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा फेल हो गया। ऑथेंटिकली उनको बताओ प्रामाणिकता से कि मुझे ये एडिक्शन है, दो और मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप फ्री हो जाएगी, जो होगा वो होगा, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, मगर आपको प्रामाणिकता से उनको बताना पड़ेगा ताकि आपका बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। तो बोले नहीं मैं बता सकता नहीं। मैंने, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ये आप बोलो क्या कर सकते, कैसा बता सकते। बोले फिर ऐसा करो कि आप ही बोल दो। बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। मैं लगाओ फ़ोन, उसको फ़ोन लगाने लगा, उससे पिता के साथ में उसके मतलब मैंने फ़ोन लगाया, उसके पिताजी के साथ में बातचीत किया, उनको बताया कि भी मेरे सामने आपका लड़का बैठा है और वो ऐसा ऐसा उसको प्रॉब्लम है, उसका इलाज मैं भी करने वाला हूँ और ये अभी घर में भी आएगा, घर में उसको अच्छे तरह से रहो, भी उसको डिस्टर्ब मत करो, जैसा है वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आप उसको फिर से काउंसलिंग के लेके आ जाओ। पिताजी ने भी उसके साथ में बातचीत किया, उसने बोला बेटा तो घर पर आ जाए, हम तेरे कुछ नहीं करने वाले, जो हो गया वो हो गया, अभी हम करेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। क्या हो गया कि मोबाइल डाटा सस्ता होने के बाद में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए और स्पेशली बच्चों में, कि अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियोस, इसमें ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स अपना टाइम गंवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा टाइम कमा रहे हैं और उसमें उनको मज़ा भी आ रहा है। होता क्या है कि जो हार्मोनल चेंजेस अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, वो चुप नहीं बैठने देते। एक बार ऐसी उम्र हो गई कि 15-16 साल का लड़का हो गया कि इतने केमिकल चेंजेस अंदर हो जाते, हार्मोनल चेंजेस हो जाते कि वो चुप नहीं बैठने देते। सेक्स ऐसा बाहर आते रहता है, एनर्जेटिकली बाहर आती रहती है एनर्जी कि मैं क्या करूँ कहाँ नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और उसको यदि चैनलाइज नहीं हुआ तो फिर वो गलत रास्ते से निकल जाता है और फिर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे इतना ही बताना है बच्चों को कि भाई आपका फोकस जो है वो आपका हट जाता है। फोकस स्टूडेंट का क्या है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे MBBS होने का है, इंजीनियर होने का है, जो भी पढ़ाई करने की जिसके लिए मैंने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया है वो मुझे करना है, ना कि और कुछ बलता ही करना है, डेटिंग करना है, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमना फिरना है डेट या मोबाइल डाटा यूज़ करके, बाकी सब उसके ऊपर जो काम होते हैं वो करना है ना, वो करना है। अपना जो पर्पस है कि जो पर्पस के लिए मैं कॉलेज में आया हूँ वो पर्पस मैंने फुलफिल करना चाहिए, वहाँ पूरा फोकस रखना चाहिए और वो यदि करेंगे तो ज़िंदगी में सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और ज़िंदगी में ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। तो मेरा यूथ को, सभी मतलब युवाओं को यही मेरा संदेश है कि भाई अभी आपका जो फोकस है जिसके लिए आपने जो कॉलेज में प्रवेश लिया है तो वो आप करो पूरा, ना कि इधर उधर भटकना, ख्याल देना, ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, पावरफुल आप जी सकेंगे। ये वीडियो आप काफ़ी लोगों को शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, उसमें से वो निकलने में उनको मदद हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन जो आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।